उत्तराखंड में इस बार चैत्र नवरात्र नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाया जा रहा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में मातृशक्ति नारी शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है। सीएम ने कहा कि गौरा शक्ति ऐप हो या लखपति दीदी योजना, ये दोनों नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के प्रतीक है। सीएम धामी ने कहा कि प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कार्यक्रम आयोजित होंगे, जिससे सभी जिला अधिकारियों को 1-1 लाख रुपए जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि चैत्र नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा की जाएगी। प्रदेश में सभी प्रमुख देवी मंदिरों एवं शक्तिपीठों में धार्मिक तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में महिलाओं एवं बालिकाओं की विशेष रूप से सहभागिता सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, उत्तराखंड राज्य में नारी शक्ति मातृ शक्ति का बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इस बार का जो नवरात्र का जो हमारा पर्व है, उस पर्व पर हमने नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों जो अभियान हमने चलाए हैं, गौरा शक्ति ऐप के रूप में या लखपति दीदी योजना के रूप में, ये दोनों ही नारी सशक्तिकरण और नारी सुरक्षा दोनों के प्रतीक हैं। इसलिए इस बार के नवरात्र को हमने मातृशक्ति को समर्पित करते हुए प्रत्येक ज़िले में जो हमारे मंदिर हैं, ऐसे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी पर कोई ना कोई कार्यक्रम जिलाधिकारियों के माध्यम से आयोजित किए जाएंगे। उसके लिए हमने 1 लाख रुपए की धनराशि भी प्रत्येक जिले को आवंटित की है।